सृष्टि कैमरा ऑन कर लो अपना। गुड, क्या प्रोग्रेस है आपकी कैंपेन की? अपना माइक अनम्यूट करो, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने इलस्ट्रेशन जो बनाए थे ना, हाँ, आपको दिखाए थे जो, हाँ हाँ, उसी में पोस्टर बना रही थी। दिखाइए पोस्टर, दिखाइए कैसे बना लो। अच्छा हाँ, ये रुक के रखो जरा। सर ये बताइए कि प्रोडक्ट ठीक तो लग रहा है या फिर चेंज करते हैं प्रोडक्ट? एक्चुअली क्या है ना कि अगर दोनों का ना आपस में मर्जिंग नहीं हो रहा है, मतलब जैसा कि प्रोडक्ट है, मतलब जो आप दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि साफ साफ पता चल रहा है दोनों अलग अलग लग रहे हैं। 50% पोस्टर इलस्ट्रेशन अलग है, 50% एक अलग है। तो जब हम डिज़ाइन के पार्ट में बात करेंगे, जैसे मैं तुम्हें देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि पेपर पर बताता हूँ, जैसे अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, कॉपी दिख रही है आपको? यस सर। कि जैसे आपने जो डिज़ाइन मुझे दिखाया है, जैसे ये एक बॉक्स है, इतना लाइट ऐसे क्यों आ रही है ब्लू ब्लू? सर आपके में बहुत क्लियर भी नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ। अभी ठीक है, ये ब्लू क्यों आ रहा है इतना स्क्रीन? दिख रहा है बट समझ में आ जाएगा आपको मैं ऐसे दिखाऊँ तो। देखो जैसे ये फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, तो आपके में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे हम इसको अगर लाइन खींचे तो आपका जो डिज़ाइन है, तो ये लग रहा है ये मतलब ये वाला पार्ट है वन और ये वाला पार्ट अगर टू लेते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में मर्जिंग नहीं हो पा रही है। तो जैसे मर्जिंग कैसे हो सकती है, जैसे क्या करो कि आप या तो यहाँ का जो विजुअल है उसको इधर जाने दो, या तो टाइपो को इधर आने दो, मतलब दोनों के बीच में मिक्सिंग करनी ताकि वो एक डिज़ाइन का पार्ट लगे, पूरा जो है ना एक डिज़ाइन लगे। मतलब वो कैसे हो सकता है, जैसे कि तुमने कोई फॉन्ट लिखा, जैसे लिपस्टिक, क्या लाइन है हेडिंग आपकी? ऑल डेज ऑल नाइट ऑल अबाउट कलर डेज ऑल नाइट। बस तो या तो तुम ऐसा कर सकती हो कि मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ, रुको। जैसे कि हमने बनाया बॉक्स, अब हमने अब यहाँ पर बीच में लाइन ली, ठीक है, तो तुमने यहाँ पर अपनी मॉडल की फ़ोटो ली है, ठीक है, यहाँ पर अपनी मॉडल की ली है। अब तुम क्या कर सकती हो, जैसे हमने लिखा ऑल डेज ऑल नाइट, तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे रेड कलर अगर यहाँ पर स्क्रीन पे हो रहा है, तो यही रेड कलर मैंने यहाँ डाल दिया डेज में, तो ये रेड कलर यहाँ आने की वजह से क्या हुआ, डिज़ाइन में दोनों में मिक्सिंग हो गई। समझ पा रही हो मेरी बात को कि yes, sir. इसका रेड हमने डे पे डाल दिया और यहाँ का कोई कलर इस पे डाल दिया ताकि लगे कि वो एक डिज़ाइन का पार्ट है, देखने में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा लेआउट पे काम करोगी तो ये निकल कर आ जाएगा। अभी मैंने ये पहले ही ट्राई किया है, नहीं तो पूरी इमेज लगा के भी एक दो लेआउट बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, जैसा ठीक लगे फिर आप बताइए। हाँ हाँ, इसके थोड़े से ना डिज़ाइन ऑप्शन क्रिएट करो, मतलब जब हम डिज़ाइन को एक्सप्रेस करते हैं या डिज़ाइन को बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक डिज़ाइन कभी भी करेक्ट नहीं होता, हम उसके दो तीन बनाकर देखते हैं कि भाई किसी में टाइपो बनाकर देखा, किसी में फोटोग्राफ लगा के देखी, किसी में इलस्ट्रेशन, तो अपने अकॉर्डिंग देखो कि कुछ कुछ हेडिंग्स चेंज करके देखी, दो तीन ऑप्शन बनाओ तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कौन सा अच्छा लग रहा है। हाँ, और बाकी दो तुम एक बार शो करना जरा, क्या दिखाया था तुमने, और कोई करेक्शन है क्या? अब एक चीज़ ये बताओ कि जैसे ये तो तुम्हारा ऊपर ऊपर लाइन क्या लिखी हुई है, पढ़ना जरा उसको, रीड करना। सर इसको अभी चेंज करूँगी, बस ऐसे डाल के देख रही थी कि कैसा लगेगा। और तुमने इसमें लोगों के लिए स्पेस थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, बाकी सोशल मीडिया के आइकन बीच में रखूंगी वैसे। नहीं नहीं, लोगों यहाँ पे नहीं, एक दो मैं और बना लूँ। सुनो तो बात तो सुनो, वहीं करो, उसी पे करो, उसी इमेज पे करो क्लिक। एक काम कर सकती हो, जो लिपस्टिक का जो प्रोडक्ट लिया है ना तुमने, उसको अगर थोड़ा छोटा करके जहाँ पर लड़की बनी हुई है उसके जो मतलब स्किन केयर है, हाँ, यहाँ पर हल्की शेडो डाल के ना प्रोडक्ट लिया और लोगो वहाँ पर ले आओ लिपस्टिक के नीचे, एक ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। ओके सर, करके देखना, वो जब करोगी तो समझ में आएगा कि वो कौन सा सीख लग रहा है ये वाला, कि कुछ ऑप्शन बनाओ, ठीक है? तो और बाकी इसकी सीरीज कैसे बनाओगी, एक तो ये एक बन गया, बाकी अदर डिज़ाइन के लिए? सर अभी तो नहीं, बस इलस्ट्रेशन ही तीन चार बनाए थे मैंने। अच्छा, वो भी सेट करके नहीं देखे। अच्छा, तो ये देखो ज़्यादा टाइम मत लो, मैं आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया है पूरा क्या करना है,
एंड मैं तुम्हें एक दो दो दिन और दे सकता हूँ, इसके बाद ये पोस्टर की सीरीज़ अपनी पूरी कंपाइल कर दूँ, थोड़े बहुत करेक्शन भले रहने चाहिए, दो दिन के अंदर इसको पूरा पोस्टर की सीरीज़ अपनी दो तीन जो भी पोस्टर बना रहे हो, तीन बना रहे हो, चार बना रहे हो, वो सीरीज आप दो दिन के अंदर उसको ख़त्म कीजिए हैं। और एक चीज़ और, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट के लिए अपना कंटेंट इकट्ठा करके रखो कि ताकि फाइनल में हम उनको कंपाइल कर सकें, जैसे कुछ कुछ डिज़ाइन गलत बने हैं, कुछ लोगो गलत बने हैं, कुछ इमेजेस अगर हैं तो उनको उठा के आखिरी में अपनी रिपोर्ट में डाल सकें उसके अंदर, ताकि हम कैंपेन के साथ साथ रिपोर्ट भी प्रेजेंट करें। इतना काम आपने फिलहाल ध्यान देना है, ठीक है। ये तो तुम्हारा प्रोडक्ट का क्लियर हो गया, ठीक है। और सोशल के लिए कैसे क्या कर रहे हो प्लान? सर वो मैंने आपको सेंड किए थे टॉपिक, तो आपने बोला था वो ठीक नहीं है, तो सर कोई आइडिया आप भी दीजिए। अच्छा रुको, वेट करो, फिर मैं अभी सजेस्ट करता हूँ, अभी देख लेता हूँ तुमने टॉपिक क्या दिए थे, मुझे याद नहीं है, अभी दो मिनट रुको मैं देख बताता हूँ, देख के। आपने हेल्थ लिया था, हेल्थ केयर, पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ। सृष्टि आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है? जैसे आपने जो टॉपिक लिए ना, बहुत ही वास्ट टॉपिक हैं पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या करोगे आप, जैसे और आपने पब्लिक हेल्थ ले लिया है, तुम कोई ना एक एक प्रॉब्लम देखो कि जो सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम है और उसको तुम्हें लगता है कि यार इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि तुमने अपनी लाइफ में अभी तक जितनी भी लाइफ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम एनालाइज करी जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस में कभी कहीं पर भी क्या प्रॉब्लम देखी है? कोई प्रॉब्लम नहीं तुमने देखी आज तक, मतलब इतने बड़े स्कूल में कॉलेज में आने के बाद, या क्या आपको लगता है? तो डिस्कशन में तो बता ही सकते हो ना क्या मुझे लगता है, जैसे मेरे से पूछो तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम बता दूंगा, ये प्रॉब्लम्स हैं तो उन पे काम होना चाहिए, उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। शालू तुम बता सकती हो कुछ प्रॉब्लम्स? शालू कोई आइडिया नहीं है, आओ जरा कैमरे पे आओ। गुड इवनिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने सोसाइटी के अंदर आसपास में या अपनी आपने अभी तक में कुछ नोटिस किया कि लगता है कि ये चीज़ एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना चाहिए? ऐसे तो नहीं, सोचना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से सब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? हर जगह की अलग अलग होती है, जो है बताओ, तुम स्कूल की बता दो, स्कूल से आई हो या कॉलेज लेवल से आई हो, या हेल्थ के बारे में तुमने देखा, या एजुकेशन सेक्टर में तुमने देखा, या तुमने गवर्नमेंट के अंदर देखा, इट्स योर आर्टिस्टिक व्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम्हें लगता है वो उसको कम से कम एक्सप्रेस तो करो। मुझे लगता है कि तुम मतलब कैसे अपने आप को आर्टिस्ट बोल रही हो, कुछ तो सुनो नोटिस किया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू, बंद कर लो कैमरा। अब देखो सृष्टि, जैसे अभी तुम लोगों से मैंने डिस्कशन करा कि मतलब प्रॉब्लम की हमने बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में, तो जनरली क्या होता है कि देखो हम आर्टिस्ट लोग हैं, तो हम नहीं अवेयर होंगे, हम लोगों को नहीं जागरूक करेंगे तो कौन करेगा? अब जैसे प्रॉब्लम की बात बताई जाए तो मतलब इमोशनली भी कई चीज़ें हैं, जैसे आजकल हम एनिमल का केयर नहीं करते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल में इतने बिजी हैं कि हमको किसी एनिमल से कोई लेना देना नहीं है, इतने रोड एक्सीडेंट में एनिमल मारे जाते हैं, डॉग्स मारे जाते हैं, कैट्स मारी जाती हैं, इनफैक्ट हमें अपनी लाइफस्टाइल में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें नेचर से ही प्यार ही ख़त्म हो गया है। मतलब एनिमल्स तो प्यार का ही एक रीज़न है ना, चाहे वो गाय हो, चाहे वो एक चिड़िया हो, चाहे एक एनिमल हो, वो भी तो हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो हम बेसिकली एक आर्टिस्ट की तरह क्या कर सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं, उनको फूड दे सकते हैं भाई, स्ट्रीट डॉग्स को खिला सकते हैं, अपने छत पे बर्ड्स के लिए फूड अरेंज कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। मतलब अब ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि या हमारी स्क्वायरल आती हैं, गिलहरियाँ आती हैं, उनको फीड करा सकते हैं, उनको फूड दे सकते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हमारे बजट से बाहर चला जाएगा। बट क्या होगा कि एक हमने ये दिखाया कि वी आर लाइक इमोशनल टू नेचर, ठीक है, कि हम थोड़ा इमोशनल हैं और हम नेचर की केयर करेंगे तो नेचर हमारी केयर करेगा। और प्रॉब्लम ये तो थोड़ा सा नेचर में हो गई। और अगर हम बात बताएं तो प्रॉब्लम्स की, गारबेज की प्रॉब्लम है, बहुत लोग ना कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, ठीक है, कहीं भी आप चले जाओ गली तो लोगों को ये बता सकते हैं कि अपने जो गारबेज को सही से डंप करें, सही जगह डालें, ताकि उसकी वजह से मच्छर मक्खी और गंदगी की वजह से इन्फेक्शंस ना हो, ठीक है। कई तरीके के हम अलग अलग कैटेगरी में सोच सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में हम सोच सकते हैं
कि हम डिजिटल एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बच्चे आजकल, छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो सीधा यूट्यूब पे चीज़ें देखने लगता है, तो उसका क्या है, वो पॉजिटिव है कि क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। मतलब मैं एक व्यू की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं। हम सैनिटाइजेशन पे बात कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन मतलब आज के दिन कि अपने आप को सैनिटाइज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। हाइजीन के ऊपर, हाइजीन के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, और मैं आपको ये टॉपिक कहीं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, कहीं पढ़ के या कहीं नेट से देख के, मैं आपको एक एक रैंडम जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, एक बहुत अच्छा एक और हो सकता है टॉपिक, जैसे लिखती जाओ। हाँ डेफिनेटली, तुम अगर तुम्हें लगता है तो इन चीज़ों को लिखती जाओ तो तुम्हें सोचने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ बताओ। जो पैकेजिंग डिजाइनिंग आती है, जैसे जो प्लास्टिक वगैरह के, जो जैसे फोल्डिंग वगैरह जो आती है प्लास्टिक के कप हाँ वगैरह में, तो उसको प्लास्टिक से ना रेफर करके अगर हम कुछ ऐसी चीज से करें, ऐसे प्लांट्स वगैरह से करें, तो पत्तियों वगैरह से, ऐसा भी तो हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। इनफेक्ट अभी अभी कोरोना के टाइम पे, लाइक मैंने एक अपडेट देखा था फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कुछ कहीं पे एक अपडेट दे रहे थे, वहाँ बता रहे थे जर्मनी में लोगों ने एक बहुत अच्छा सर्च करा है, शायद मेरे पास पड़ा होगा फोटो, कि उसमें उन्होंने सर्च करा है कि पेड़ों के पत्तों से हम बोल, मतलब बोल बना सकते हैं। मैंने शायद अपने स्टेटस पे भी वो लगाया था, मतलब वो तो हमारे इंडिया में वैदिक काल में ही लोगों ने, पुराने समय में ही सर्च कर लिया था कि पत्तों को जोड़ के हम थालियाँ कटोरियाँ बना सकते हैं जिनमें हम खाना खा सकते हैं, और वो नेचर फ्रेंडली है। अब जर्मनी कह रही हमने अब खोजा है उसको, तो समझ रही हूँ ना कि मतलब जो चीज़ हमारे पास खुद पता है बट हम उनको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनफेक्ट आप मानोगे नहीं, मैंने इतने आर्टिस्टों को जो नोटिस करा है, हर कोई, मतलब कुछ आर्टिस्टों से मिला हूँ जो पौधे लगाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, पौधे लगाने, मतलब पेड़ पौधे लगाने में। तो क्या होता है, ये क्या है कि बेसिक चीज़ है, इसके लिए कोई कोर्स या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि भाई पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये तो हमें स्कूल में पता चल गया था कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो भाई जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन कैसे आएगी, जब हम घर में पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, गमले नहीं लगाएंगे, गार्डन मेंटेन नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। हाँ बोलो। सर अभी 2 मिनट में आई बस। मेरा भी फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, ज़रा 1 मिनट होल्ड करना, मैं चार्जर लगा देता हूँ 2 मिनट के लिए। सृष्टि 2 मिनट के लिए होल्ड करना, मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। चार्जर छूट गया था मेरा घर पे।